मुदमंगल में संत समाज धर्म प्रेमी सज्जनों एवं श्रद्धा मुक्ति देवियों, बहुत अच्छा विचार। सरदेव साहब जी से सुन रहे थे, और साहब जी के आज्ञा हुई है, आप लोग के समक्ष कुछ मैं भी कहने का प्रयास करता हूं। अभी हम लोग विचार श्रवण कर रहे थे, जीवन में सुख कैसे शांति को प्राप्त कैसे है, और स्वर्ग के जीवन में कब प्राप्त होगा। जीवन में स्वर्ग प्राप्त करने के लिए चाहते हैं, शांति को प्राप्त करने के लिए चाहते हैं, सुख को प्राप्त करने के लिए चाहते हैं, तो पहला नंबर है प्रेम। प्रेम करना सीखो। जो व्यक्ति का जीवन में प्रेम मैं जीवन है, वह व्यक्ति का जीवन में दुख नहीं होता, वह व्यक्ति का जीवन स्वर्ग से भर जाते हैं। और जब स्वर्ग से भर जाते हैं जीवन, तो कहीं दूसरी जगह स्वर्ग खोजने का कोई बात नहीं। स्वर्ग ढूंढते हैं, स्वर्ग कहीं है नहीं। स्वर्ग शांति ढूंढते हैं, शांति कहीं है नहीं। सुख को ढूंढते हैं, सुख कहीं है नहीं। सुख कहीं दुकान में नहीं मिलता है, शांति कहीं दुकान में नहीं मिलता है, स्वर्ग कहीं आकाश लोक में नहीं है कि आप वहां जाकर के बस कर, आप वहां जाकर के बस जाए। स्वर्ग जीवन में आता है, सुख जीवन में आता है, और शांति जीवन में प्राप्त होती है। सुख शांति और स्वर्ग को प्राप्त करने के लिए चाहते हैं, तो पहला नंबर है कि प्रेम करना सीखो। प्रेम तो हम कर नहीं सकते, पृथ्वी पर अधिकांश व्यक्ति प्रेम का तात्पर्य नहीं जानते। सब कहते हैं हम प्रेम करते हैं बहुत, आपसे आपसे बहुत हम प्यार करते हैं, आपसे बहुत हम स्नेह करते हैं, श्रद्धा रखते हैं, यह तो दिखावा। जिस दिन व्यक्ति अपना हृदय से प्रेम करने के लिए सीख जाएगा, आत्मा से प्रेम करने के लिए सीख जाएगा, दिल से प्रेम करने के लिए सीख जाएगा, तो उस दिन व्यक्ति का दुख जीवन में नहीं रहेगा, कष्ट जीवन में नहीं रहेगा, जीवन स्वर्गमय हो जाएगा। सतगुरु अभिलाष साहब की वाणी, सतगुरु अभिलाष साहब कहते प्रेम में स्वर्ग है और अनासक्त में मोक्ष। तो पहला नंबर स्वर्ग के प्राप्त करने के लिए चाहते हैं तो प्रेम करने के लिए सीख। घर में हो, दुकान पे हो,
पाठशाला में हो, कहीं भी हो, हर व्यक्ति को प्रेम करने के लिए सीखना चाहिए। एक दूसरे व्यक्ति से प्रेम कैसे किया जाता, विनम्रता पूर्वक स्नेह श्रद्धा दिल से। एक दूसरे व्यक्ति को कष्ट नहीं आना चाहिए, ऐसा भावना नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति दूसरे को दुख नहीं देगा, कष्ट नहीं देगा, उसका जीवन में कष्ट नहीं आएगा, उनके जीवन में दुख नहीं आएगा। तो उनका जीवन ऐसे ही स्वर्ग हो जाएगा, स्वर्गमय हो जाएगा। जीवन दुखित रहता है, पीड़ित रहता है जीवन, तो वह व्यक्ति का मन चंचल होता है। चंचल होता है तो एकदम दुखित दुखित जीवन का अनुभव करता है, परेशान हो जाते हैं। तो उनको स्वर्ग की प्राप्ति कहां से होगी, शांति की प्राप्ति अनुभूति कहां से होगी। क्योंकि मन जब शांत होगा तभी शांति को प्राप्त होगा, मन एकाग्र होगा तभी सुख का अनुभूति होगी। मन में कोई द्वंद नहीं आएगा, द्वंद रहित मन होगा तब शांति और स्वर्ग की प्राप्ति। लेकिन अनेक नाना प्रकार के हम लोग कल्पना करके उसी में उलझ जाते हैं। झीनी माया और मोटी माया में उलझ जाते हैं हम लोग, और शांति को प्राप्त करने के लिए चाहते हैं, स्वर्ग को प्राप्त करने के लिए चाहते हैं। ढूंढते ढूंढते इस पृथ्वी पर से आदमी चले जाते हैं, स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती। स्वर्ग की प्राप्ति तभी होगा आदमी जब आदमी एकाग्र हो जाए, एकदम अपना आत्मा में लौट आए और अपना आत्मा राम में स्थित हो जाए, कहीं भटके नहीं। भटकने से परेशानी आती है, भटकने से दुख आता है, भटकने से पीड़ा होती है, भटकने से मन की लालसा पूरा नहीं होती। इसीलिए आदमी दुखित अपीड़ित रहते हैं। सज्जनों, हम लोग बाहर न भटके, अपने आप में अस्तित्व हो, अपने आत्मा में अस्तित्व हो, अपने को जाने। जिन्होंने अपने को जाना है वही स्वर्ग को प्राप्त किया है। सतगुरु कबीर, अपने को जाना है। विवेकानंद स्वामी, अपने को जाना है। दयानंद सरस्वती, अपने को जाना है। ऐसे ऐसे अनेक को महापुरुष है जो अपने में अस्तित्व हुआ, बाहर नहीं भटका, उनके निकट स्वर्ग और शांति की प्राप्ति भंडार, और वो उसमें जी करके दुनिया वालों को दिखाया और बताया, राह दिए कि ये दुनिया वालों इस राह पर चलो, तुम्हें भी शांति मिलेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी। लेकिन हम लोग कहां भटक रहे हैं। महापुरुषों की रास्ता बताए हुए पर हम लोग नहीं चल पाते तो शांति को प्राप्ति कहां, स्वर्ग की प्राप्ति कहां होगा। प्रेम करने के लिए पत्थर में भी प्रेम, भगवान मिलता है
प्रेम पत्थल में प्रेम करोगे भगवान नहीं मिलेगा। भगवान तो मिलेगा जब आत्मा राम में लौट आओगे, उसको खुद से जानो। सज्जनों, तो मैं कह रहा था कि सतगुरु अविनाश साहब का पंक्ति है कि प्रेम में स्वर्ग है, अनासक्त में मोक्ष। जो व्यक्ति अनासक्त बिल्कुल हो जाते हैं वह मोक्ष की प्राप्ति होती है। उसका यह संसार से आना जाना बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। तो ऐसा जीवन जिए हम लोग भी, ऐसा कर्म हम लोग भी करें कि बिल्कुल द्वंद रहित अनासक्त होकर के संसार में जितना भी कर्म करते हैं अनासक्त होकर के करें तो जीवन दुखित नहीं होगा, सुखी होगा। जीवन में सुखी का अनुभूति होगी। इसी वाणी के साथ मैं अपना शब्द को नाम देता हूँ। आप लोग को घट में बसे हुए रमैया राम का प्रणाम करता हूँ। साहेब बंदगी साहेब बोलिए प्रेम से सतगुरु देव की जय।